खबर हल्द्वानी से है, जहां पर वेतन नहीं मिलने से संविदा पर तैनात वनकर्मी परेशान है। वहीं वनकर्मियों का सब्र टूटता जा रहा है। तमाम वनकर्मियों ने विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले दिए वेतन विसंगति का दंश झेल रहे हैं, ऊपर से अब मानदेय भी रोक दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण, बीमारी और बच्चों की स्कूल की फीस आदि की दिक्कतों से सभी को जूझना पड़ रहा है, जबकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वन विभाग के DFO बाबू लाल का कहना है कि उनके स्तर से कई दफा शासन को अवगत करवा दिया गया है, उनके पास कोई अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान नहीं है कि जल्द ही इस समस्या से संविदा कर्मियों को निजात मिल सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ बैठे हुए मामला यही है कि सर हमको तनख्वाह नहीं मिली है 8 महीने से, और हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के आए हैं। कहाँ हमारे बच्चे हैं, कहाँ हम हैं? और हमने त्यौहार भी नहीं बनाया, विगत त्यौहार बनाए इधर को आगे, क्योंकि हमारे पास खर्चा नहीं था, तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे बनाएंगे त्यौहार? जब पैसा नहीं है तो क्या है? सारे काम हम लोग करते हैं, उसके बाद भी हमें 8 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता। 8 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 9वां महीना आज से चालू हो चुका है। क्या करें सर, मजबूरी के कारण बैठे। ये लोग बताते हैं कि वेतन विसंगति के कारण शायद हम लोगों का वेतन रुका हुआ है, जैसे हमारे साहब लोग बताते हैं, लेकिन वो जो है बहुत परेशान हो चुके हैं और हमें जो है 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। और ये आज की समस्या नहीं, हर 6 महीने, हर 4 महीने ये समस्याएं हमारे साथ आती रहती हैं। हम लोग दुर्गम स्थानों में, दुर्गम जंगलों में शेर और हाथियों के बीच में अपनी बिना जान की खतरा वो करे बिना हम जो है ड्यूटी करते हैं, और हमें काम करने के बाद हमें जो है वेतन के लिए हर समय भीख मांगनी पड़ती है। ये मामला जो है वेतन पे संबंधित मामला है, और हमारे सारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई लोग जितने भी हैं, माताएं हमारी जितने भी हैं, ये लोग 8 माह से इनको वेतन नहीं दिया गया है। 8 माह कम नहीं होता है, जिससे अपने घर की परिस्थितियां, बच्चों को लिए राशन, स्कूल की फीस, खाना पानी, ये देना इनको बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सारे अधिकारी जो भी हैं कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई ज्ञापन कितनी बार दे दिया, CF साहब को दे दिया, ऑफ साहब को दे दिया, देहरादून तक का दे दिया, लेकिन तब भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिल रहा। बोला जा रहा है कि शासन का मामला है।